ये जो यमी सा हलवा आप देख रहे हैं, ये है सूजी का हलवा। और आपको देख के लग रहा होगा या तो ये बेसन का हलवा है या तो फिर मूंग की दाल का हलवा है, पर नहीं, ये सिंपल सूजी का हलवा है। और थोड़ा सा मेरे जो रेसिपी है इसको मैंने ट्विस्ट करके इसको बनाया है। आप सभी को रेसिपी बहुत अच्छे से आती होगी हलवे की, आप सभी अपनी रेसिपी को ट्राई करते होंगे। एक बार प्लीज़ आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ मैंने ये हलवा किस तरह से बनाया, क्या है इसकी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक नज़र उसके इंग्रेडिएंट्स पर। और फ्रेंड्स, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको एक मेजरमेंट के हिसाब से बताऊंगी, ग्राम के हिसाब से नहीं बताऊंगी, क्योंकि ग्राम के हिसाब से मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स कंफ्यूज आती हैं। या तो कोई भी कप ले लीजिए या तो फिर कोई भी बॉल ले लीजिए, उसके हिसाब से आप इंग्रीडियंट्स को नाप लीजिएगा, ठीक है। तो प्रॉपर इंग्रीडियंट्स जो हैं वो इस तरह से हैं, इसका प्रॉपर मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी ताकि हमारा हलवा एकदम अप्रोप्रिएट बने, बिल्कुल भी जैसे बोल जाता है ना सूखा सूखा ना बने, बहुत अच्छा रसीला और अच्छा हलवा बने। तो इंग्रीडियंट्स इस तरह से मैंने लिए हैं फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने लिए है ये आधा कप सूजी, तो जितनी सूजी लिए उतना ही लगभग ले लिया है मैंने घी, आधा कप ले लिया है घी, और आधा कप ले लिया है चीनी। यदि आप चीनी थोड़ा मीठा थोड़ा कम खाते हैं तो चीनी थोड़ी कम कर सकते हैं, अदरवाइज आधा कप तीनों चीज़ ले ली, आधा आधा कप मैंने तीनों चीज़ ले लिए, ठीक है। पानी लेंगे हम इससे चार गुना ज़्यादा, यानी आधा कप हमारी सूजी है तो दो कप हमने ले लिया पानी, यानी कि यदि आप एक कप सूजी ले रहे हैं तो चार कप पानी डलेगा, ओके। और ये जो है ड्राई फ्रूट्स, ये अपने हिसाब से आप कितने भी कोई भी ले सकते हैं, ये तो ऑप्शनल है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये जो सूजी है आधा कप सूजी को मैं लगभग आधा कप ही दूध में मिलाकर रख दूंगी, और लगभग 15-20 मिनट के लिए। और जब तक हमारी सूजी भीगेगी ना दूध में थोड़ी देर के लिए, तब तक हम अपने इंग्रेडिएंट्स और बाकी काम कर लेते हैं। पर हाँ, ये केसर है, ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा और कलर भी थोड़ा अच्छा आएगा। तो सबसे पहले जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पैन में मैंने डाल दिया थोड़ा सा घी, और घी में जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनको रोस्ट कर लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, यदि आप इनको ऐसे डालना चाहें तो ऐसे डाल सकते हैं, ऐसे डाल के थोड़ा क्रंच अच्छा आ जाएगा इसमें और थोड़ा सा टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो बस एक दो मिनट लेंगे इसको रोस्ट करने के लिए, ज़्यादा नहीं हमें कुछ करना है, बस एक दो मिनट के लिए इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में जो काजू बादाम और थोड़ी सी किशमिश लिए, आप चाहें तो चिरौंजी भी डाल सकते हैं, नारियल भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, इस डन इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूध और ये सूजी मिला के रखी हुई थी थोड़ी देर से, ये अब काफ़ी फूल सी गई, सूजी फूल जाती है। और अब घी, दूध और ये सूजी, इन सबको डाल देंगे हम पैन में, और गैस की फ्लेम रखेंगे बिल्कुल लो। अभी तो मैंने गैस की फ्लेम ऑन नहीं की है, पहले सबको मिक्स कर देती हूँ मैं इसमें। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने ये सब इसमें डाल दिया है और अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया। साथ साथ मैं आपको बता दूँ, साथ साथ हम दूसरी तरफ पैन में रखेंगे पानी, दूसरे फ्लेम पर ये पानी रखेंगे, इसमें डालेंगे चीनी और थोड़े से केसर के धागे। और इसकी हमको चाशनी वाशनी नहीं बनानी, बस सिर्फ इतनी देर गर्म करना है इस पानी को, जितनी देर तब तक ये पानी उबल जाए। तो फ्रेंड, दूसरे फ्लेम पर हम ये चीनी, पानी और थोड़ी सी केसर के धागे डाल के फ्लेम ऑन कर देंगे, और इसको हम थोड़ा सा उबलने देंगे, दूध पानी को उबलने देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब मैंने दोनों फ्लेम कर दी हैं ऑन, और ये जो हमारी सूजी वाली फ्लेम है इसको तो हम मीडियम रखेंगे अभी, इसको बहुत तेज फुल फ्लेम नहीं रखेंगे, और इसको हम पकाएंगे घी के साथ। ये घी डला है इसमें, दूध है मैं और सूजी है, और फ्रेंड्स इसको हम बस भूनेंगे अच्छी तरह से। और जो हमारे दूसरी फ्लेम पे रखा है पानी, इसको तो बस उबाल आने तक ही हमें पकाना है, उबाल आने के बाद उसको बंद कर देंगे। तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा इसको, पेशेंटली हमें इसको आराम से भूनना है सूजी को, और जैसे जैसे भुनेगी ये सब मिक्स होती चली जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर सूजी भुन रही है आराम से, कम मैंने इसकी जो फ्लेम है एकदम कम कर दिए, लो कर दिए फ्लेम, लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे, फुल फ्लेम नहीं रखेंगे। और हमने इस पानी में उबाल आ गया था अच्छे से, आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा केसरिया रंग मिला दिया है, जो फूड कलर आता है केसरी वाला, ये मैंने हल्का सा केसर कलर मिलाया है। कुछ कलर तो केसर का भी आ गया था इसमें, केसर के धागे जो पड़े हैं, बाकी मैंने कुछ इसमें ये मिला दिया है केसरी कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, यदि आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालिए। और फ्रेंड्स, चाहे तो इसमें थोड़ा सा केसर एसेंस भी डाल सकते हैं यदि आप पसंद करते हैं। तो अभी फ़िलहाल देख सकते हैं ये हमारी सूजी भुननी शुरू हो चुकी है। इसको हम भुनेंगे तब तक जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता, गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, या जैसा कलर आपको पसंद है डार्क या लाइट वैसा नहीं हो जाता। इस तरह से हलवा बनाने से ना क्या होगा, जैसे हलवा सूखा सूखा हो जाता है ना सूजी का हलवा थोड़ी देर रखने के बाद, ये वो नहीं आएगी, इसी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आएगी, दानेदार और बहुत ही अच्छा ये हलवा बनेगा। तो प्लीज़ एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मेरे कहने से। तो अभी हमें इसे भूनना है थोड़ी देर के लिए, तो इसको भून लेते हैं अच्छे से। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सूजी अच्छे से भुन चुकी है। मुझे थोड़ी डार्क कलर पसंद है, इसलिए मैंने इतना डार्क कलर रखा है। यदि आपको लाइट कलर पसंद है तो आप लाइट कलर कर लीजिए। और मैंने गैस स्टोव कर दिया है ऑफ। और ये जो हमने पानी पकाया था, चीनी और पानी वाला पानी, चीनी और पानी को जो मिक्स करके हमने पकाया था, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और मैंने गैस स्टोव ऑफ की हुई है,
और अब इसको एक बार मिक्स करके और फिर हम गैस स्टोव कर देते हैं ऑन और इसको पका देंगे। तो लीजिए मैंने फ्रेंड्स गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया और अब इसको अच्छे से हमें पका लेना होगा। थोड़ा आराम से कीजिए क्योंकि ये पकने के बाद थोड़ा सा इसमें छींटे आ सकती हैं, थोड़ा ध्यान से कीजिए इस काम को। तो बस अब इसको हमें पका लेना है। और फ्रेंड्स अभी आपको लग रहा होगा पानी कितना ज़्यादा है, लेकिन ये सूजी है और ये थोड़ी देर में पक के पानी बिल्कुल सही हो जाएगा ये। लेकिन 4 गुना पानी तो हमें डालना ही होता है इसमें, लेकिन पकने के बाद ये पानी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स 2-1 मिनट में ही इसी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही होने लगी है। जो पानी आपको लग रहा था ना बहुत ज़्यादा है, यदि आपको लग रहा था ऐसा तो देख सकते हैं पानी बिल्कुल सही है। यदि पानी कम डालेंगे तो ये सूखा सूखा हो जाएगा, तो इतना पानी तो जरूर चाहिए इसमें। बस अब हमें इसमें थोड़ा पानी चलने तक ही पकाना है और उसके बाद हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। देखते हैं अभी, और एक आध मिनट इसको और लगेगा पकने में। और ये फ्रेंड्स हलवा तैयार है। जो साइड से बुलबुले आ रहे थे इतने सारे, वो सब बंद हो गए हैं इसमें। और अब हम इसमें मिला रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। और फ्रेंड्स आप चाहें तो किशमिश को बिना तले भी मिला सकते हैं। और बस इसको हम कर देते हैं मिक्स अच्छे से। और फ्रेंड्स देखिए लग रहा है जैसे कि बेसन का हलवा हो या तो फिर मूंग की दाल का हलवा हो। और अब हमारा ये हलवा हो चुका है रेडी। तो फ्रेंड्स मैं इसको उतार लिया है गैस स्टोव से, एक अच्छे से कर लिया है मिक्स। आप देख सकते हैं कितना दानेदार, कितना यम्मी हलवा बनकर तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता नहीं सकती इतनी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है ना, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। इसको आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। और फ्रेंड्स सर्व करते हैं आप चाहें तो इसमें नारियल, जैसे मैं थोड़ा सा नारियल जैसे ये सूखा नारियल या कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो ये हलवा हो चुका है तैयार। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स। यदि आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक दीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चैनल पर देखिए और भी आपके आपको वीडियो पसंद आए तो उनको जरूर देखिएगा। और यदि आपको चैनल हमारा डिजर्विंग लगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी लेके आती हूँ नई वीडियो, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैप्पी कुकिंग।